नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि FIR कॉपी कैसे डाउनलोड करते हैं, और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप किस प्रकार से घर बैठे अपने मोबाइल या किसी भी ब्राउजर से किस प्रकार आप FIR कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का भी बटन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च इंजन में आपको सिंपली टाइप करना है FIR बिहार, या आप सर्च कर सकते हैं बिहार पुलिस। तो चलिए मैं यहाँ पर बिहार पुलिस ही सर्च करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिहार पुलिस भी आप सर्च कर सकते हैं, या आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं FIR बिहार। वैसे आपको इस FIR डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है biharpolice.bih.nic.in, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बिहार पुलिस का पोर्टल ओपन हो जाता है, और पोर्टल ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ डैशबोर्ड इस तरह का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होता है तो आपको सिंपली नीचे चले आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल आपको नीचे चले आना है। तो आप जैसे नीचे आते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू FIR स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सिंपली व्यू FIR स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, और सर्च बाय कंप्लेंट्स नेम, FIR नंबर या एक्यूज्ड नेम, उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप तीन तरीका से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जिला का देखना चाहते हैं, किस जिला में FIR दर्ज है। तो आप सिंपली यहाँ से सबसे पहले उस जिला को चुन ले जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या जिस जिला का आप खोजना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है डिस्ट्रिक्ट को। अब दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन का ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरीका से यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पुलिस स्टेशन है आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्या करना है, आप जैसे पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आ जाएगा सर्च बाय। आप किसके द्वारा सर्च करना चाहते हैं, मतलब आप अपने FIR कॉपी को जो डाउनलोड करना चाहते हैं या अपने FIR की स्टेटस को जो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किसके द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया है। पहला कि कंप्लेंट्स के नेम से, मतलब जिसने कंप्लेंट करवाया है, जिसने शिकायत दर्ज करवाया है उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा है, आपको यदि FIR नंबर मालूम है तो आप FIR नंबर के द्वारा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और तीसरा है एक्यूज्ड नेम, मतलब जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है उसके नाम से भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको तीनों में से जो भी मालूम हो आप उनके द्वारा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ एक्यूज्ड नेम में ही। चलिए, तो एक्यूज्ड नेम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, मतलब आरोपी का नाम। और आरोपी का नाम सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आरोपी का नाम लिख देंगे। और यदि दोस्तों आप FIR नंबर से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, FIR नंबर लिखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ओब्लिक देख के साल का अंतिम, जैसे 20 चल रहा है और केस नंबर है 18, तो 18/20 देना है। ओब्लिक लगाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 14 दिया है तो लास्ट साल का दो अंक, और यहाँ पर जो आपका FIR नंबर है सो देना है। तो चलिए, अभी मैं एक्यूज्ड नेम से सर्च करने वाला हूँ, तो हम सिंपली यहाँ पर एक्यूज्ड नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे हम एक्यूज्ड नेम को दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका एक्यूज्ड नेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक्यूज्ड नेम को फिलअप कर देना है कि एक्यूज्ड नेम क्या है, तो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर नाम जो है लिख लिया। अब इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे हमने सर्च पर क्लिक कर दिया है तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी ऑप्शन जो है यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है। तो कुछ देर आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पर सर्चिंग रिजल्ट आ चुका है। आइए हम नीचे में देखते हैं कि किस प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है।
जो कि इस थाने के अंतर्गत है, जो थाने हमने सेलेक्ट किया है उसके नाम से, इस नाम से हमने एक्यूज नेम में डाला है। तो बहुत सारे आरोपी इस नाम से उस थाने में है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दोस्तों आपका जो नाम है सर्च कर लेना है कि आपका यहाँ पर कौन सा नाम है, आप किस गाँव से बिलोंग करते हैं, तो आप इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप नाम या फायर नंबर के साथ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सर्च कर ले और यहाँ पर आप पता भी लगा सकते हैं, जैसे एफ आई आर नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एफ आई आर की डेट देख सकते हैं, समय देख सकते हैं, किसने शिकायत किया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लेंट कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एड्रेस क्या है, इसके बाद एक्यूज्ड क्या है, पुलिस स्टेशन और यहाँ पर कौन कौन सा सेक्शन लगाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और घटना की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एफ आई आर को भी डाउनलोड किया जाता है, पी डी एफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जिसका दिखाने वाला हूँ आपको, चलिए मैं सिंपली नीचे आ जाता हूँ। तो जैसे हम नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि मेरा जो है जो एफ आई आर है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, बहुत सारे यहाँ पर नाम आ जाएगा। यदि आपको दोस्तों एफ आई आर नंबर मालूम है तो आप एक ही क्लिक में आप यहां पर देख सकते हैं, आपको इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे यदि आपको एफ आई आर नंबर मालूम नहीं है और यदि आप नाम से खोजना चाहते हैं, तो यह उपाय है कि आप नाम से किस प्रकार खोज सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नाम से खोज सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का नाम है, तो आप यहाँ से खोज सकते हैं। बारी बारी से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नाम है, तो आप खोज सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका पूरा नाम, एक बार लिख कर सर्च करते हैं, शायद जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितेंद्र और जो नाम है इसको हम पूरा लिख देंगे ताकि सर्च करने में आसानी हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको सर्च कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको सर्च कर लिया है। और सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस पुनः ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं सर्चिंग हो रहा है। तो कुछ देर वेट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने, या सर्चिंग होने के बाद हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने नया डैशबोर्ड ओपन हो चुका है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो हमने नाम सर्च किया है यहां पर आ चुका है उसका रिजल्ट। और यहाँ पर आप जो आपका नाम है यहाँ से आप खोज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यदि यहाँ से कोई एफ आई आर कॉपी डाउनलोड करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस साइड चले आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ का पेज दिया हुआ है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यह जो है आपका पीडीएफ फाइल डाउनलोड होने लगेगा। आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है, जैसे आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपका यह जो है पेज डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने यह पेज डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए आपको दिखाते हैं इसको ओपन करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर एफ आई आर कॉपी डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है एफ आई आर कॉपी आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पूरा एफ आई आर कॉपी, प्राथमिकी एफ आई आर, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसका नकल मिल जाएगा, मतलब सेम टू सेम या ओरिजिनल कॉपी है, कार्बन कॉपी इस तरीका से आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो और यहाँ पर तीन चार पेज में जो है एफ आई आर कॉपी यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे डिटेल्स के साथ आपका सेम टू सेम जो एफ आई आर कॉपी होता है इस प्रकार से यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंप्लेंट है, जिसने शिकायत किया है उसने जो आवेदन लगाया था एफ आई आर होने से पहले, उसका भी कॉपी यहाँ पर संलग्न कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यह कॉपी जो है शिकायतकर्ता के द्वारा लगाया गया था प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, तो उसका कॉपी भी यहाँ पर अटेस्टेड करके जो है जो एसएचओ होता है उसके द्वारा यहाँ पर अटेस्टेड करके लगा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इस कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अंत में आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी अवश्य दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। तो अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।